परीक्षा में ना टोटल अंक बोला गया 600 का, ए ने बी की तुलना में 20% अधिक अंक लाता है, चलिए ठीक है एबीसी है ना, चलिए ए है एक बार हम क्या बोला गया और बी है, ए की तुलना में क्या बोला है ना, ए ने बी की तुलना में 20% अधिक, अगर ये 100 ला रहा है तो 120 ला रहा है, ठीक है आगे चल रहे बी और सी के बारे में कुछ बोला गया है, बी और सी के बारे में क्या बता रहा है ना, हाँ गया बी ने सी की तुलना में 50% अधिक अंक लाता है, अगर सी अगर 100 अंक ला रहा है तो बी कितना लाएगा 150, ठीक है आगे चल रहे सी और डी में भी कुछ बोला जा रहा है, सी और डी में क्या बोल रहे हैं, डी की तुलना डी ने सी की तुलना में 25% अधिक ला रहा है, अगर सी 100 ला रहा है तो डी कितना लाएगा 125 ला रहा है, ये हो गया हमारा फर्क हो गया, ठीक है क्या कहें इसको सुन लिख दीजिए ए बी सी डी, ये कर सकते हैं या फिर हम लोग हमारे पास तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है ना, आगे भी कुछ दिया गया, आगे क्या दिया गया कि ए ने 90% अंक प्राप्त किया, डायरेक्ट लिख दिया एक बारे में लिख दिया ए ने 90% अंक प्राप्त किया, चलिए ए ने 90% अंक प्राप्त करवाते हैं उससे, ए 90% अंक प्राप्त किया, टोटल कितना था 600 का था, 600 को 90% करेंगे कितना जाएगा हमारा 450 आ जाएगा, 600 को 90% क्या जाएगा 450, कौन लाया ए लाया, हमको क्या बताना है डी के बारे में बताना है, चलिए डी के बताने के लिए हमको डी का वैल्यू बताना है 125% बताने के लिए हमको सी का पता करना पड़ेगा, सी का बताने के लिए हमको पहले सी और बी में रिलेशन निकालना पड़ेगा, और बी निकालने के लिए हम लोग ए में निकालना पड़ेगा क्योंकि ए तो निकाल लिया हम लोग निकाल गया, जैसे बी निकाल लेंगे बी कितना आएगा हमारा ध्यान देंगे ये हमारा क्या है ये ए का रेशियो है, ए का कितना हो जाएगा 120 है तो 120 बटा क्या हो जाएगा एक ये टोटल ए का यहाँ ए का वैल्यू हो गया 100 से गुना कर देंगे क्या जाएगा बी का निकल जाएगा, बी का निकलेगा ना ये बी का निकल गया, ठीक है ये बी का निकल गया, अब बी का ध्यान देना बी का मान दिया क्या 150, ये हमारा क्या 150 बराबर थी 150 लिख सकते हैं टोटल क्या जाएगा 150 बराबर भागा दे देंगे 150 से फिर क्या कर देंगे 100 से गुना हमारे क्या निकल जाएगा सी का निकल जाएगा, ठीक है निकला ना 100 का सी भी हमारे यहाँ 100 दिया गया 100 से डिवाइड कर दीजिए परसेंट फिर क्या निकला डी का निकाला डी का निकाला 125 से गुना कर दीजिए, और ये तरीका दूसरा तरीका भी बताएंगे टेंशन नहीं लीजिए रेशियो से भी बताएंगे कि रेशियो कैसे किया जाएगा, फिर ये तरीका समझ लेते हैं इसको कर लेते हैं, ये देख रहे हैं ना 100 से 100 कट गया 25 से काट दो 25 से 25 छः 150 हो गया, ओके 10 से ये 10 कट गया 12 से काटते हैं ना 12 से 48 और कितना रहेगा 48 और 6 12 पंजे 60 ये हो गया, चलिए 3 से काटते हैं 5 बार में ये 5 दुनी 3 दुनी 3 से इसको 15 बार में कट गया ना बचा क्या यहाँ से 15 पचे 75 कट जाएगा ये 25 आ गया 25 25 गुना 15 25 गुना 15 कर देंगे ना 25 गुना 15 कर देंगे क्या जाएगा 15 पचे 75 5 दिख रहा है और 7 15 दुनी 30 7 37 मेरे ख्याल यही राइट आंसर हो जाएगा,